हेलो फ्रेंड्स, आज है संडे और यहाँ पे हो रही है रिमझिम बारिश। रिमझिम बारिश में मैंने सोचा क्यों ना घर से बाहर निकला जाए, तो मैं पहुँच गई नर्सरी। वहाँ पे माली भैया ने मुझे पौधों के बीज दिखाए, तो मैंने यहाँ पे एक दो पौधों के बीज ले लिए हैं और साथ में उन्होंने मुझे मनी प्लांट की कटिंग भी गिफ्ट में दे दी। घर आने के बाद मैंने अपने सभी पौधों की अच्छे से गुड़ाई करी और उनमें जो खरपतवार होती है ना, एक्स्ट्रा जो पौधे होते हैं, उन्हें भी काट दिया और उनकी जो पत्तियां नीचे से सूख गई थी उनकी मैंने कटिंग कर दी। अपने सभी पौधों को मैंने अच्छे से गुड़ाई करी है और उनमें मैंने थोड़ा थोड़ा खाद डाली है, क्योंकि हर दो तीन महीने में मुझे उन्हें खाद देनी पड़ती है। और उसके बाद मैंने इन सभी पौधों को अच्छे से बारिश में रख दिया ताकि इन्हें बारिश का पानी मिले, क्योंकि बारिश का पानी इनके लिए होता है बहुत अच्छा। प्लांट्स की गुड़ाई करना, उन्हें खाद देना, पानी देना, मुझे उनके साथ टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता है और हर संडे को मैं इनकी थोड़ा थोड़ा इसी तरह केयर करती हूँ। इसके बाद जो मैं बीज लेके आई थी ना नर्सरी से, उसको मैंने लगाना था टब में। ये मेरे पास एक पुराना टब था, मेरे बेटे का पुराना जो नहाने वाला टब होता है, जब वो छोटा था तो टूट गया था। अभी ये तो मैंने अब मिट्टी को कर लिया है मिक्स अच्छे से और इसमें मैंने मिलाया है काऊ डंग, गोबर की खाद। इसके साथ साथ जो हम पूजा में फूलों को यूज करते हैं ना, सूखी पत्तियां और पूजा के जो फूल होते हैं, उन्हें मैंने सुखा लिया था और इसको भी अच्छे से मिट्टी में मिक्स कर लिया था। और इसके बाद हम इसे टब में भर लेंगे और टब में इसे अच्छे से भरने के बाद मिट्टी को फिर हम इसमें बीजों को लगाएंगे। मैं यहाँ पे पालक के बीज लेके आई थी, तो अब हम इसे टब में लगा लेंगे। और इस तरीके से हम पहले लकड़ी की सहायता से ऐसी लंबी लंबी लाइनें बनाएंगे ताकि इसके बीच में हम इन बीजों को डालें और फिर ऊपर से थोड़ा थोड़ा मिट्टी से इसे दबा देंगे और लास्ट में डालेंगे हम इसमें पानी और इसे रख देंगे धूप में। अब हम रोज इसमें थोड़ा थोड़ा पानी देंगे और कुछ दिनों बाद ये हमारा पालक रेडी हो जाएगा। बीज बोने के बाद हो गई यहाँ पे मिट्टी, इसे कर लेती हूँ साफ। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अपने अगले संडे व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।